नमस्कार दोस्तों, मैं मिठू स्वागत कर रहे हैं आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स सिलेबस के बारे में कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में जो हैं पूछे जाते हैं। क्योंकि आपका जो हमारा इस चैनल का वीडियोज है सबसे जो ज़्यादा यही वीडियो चला हुआ है, तो चलिए हम आपको अब शुरू से मतलब सभी विषय पर आपको सभी सब्जेक्ट के सिलेबस आपको हम देने वाले हैं जो कि 2023 से 24 के लिए होगा। ठीक है, वैसे ये वीडियो सब हमेशा चलेगा लेकिन आप स्पेशली 23 से 24 के लिए चलेंगे, इससे आगे भी आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। यहाँ पर जब आप देखोगे इसका कलर भी हम थोड़ा दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो हमारा यूनिट है भाई, ये पहला यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रो स्टेटिक्स, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क, 8 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके डाउट्स सबको हम क्लियर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, जिससे आपके एग्जाम में कितने हैं, 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो है उनका नाम है भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म, जिससे आपके एग्जाम में कितने मार्क है, 8 मार्क है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिससे भी आपके एग्जाम में 8 मार्क के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोमोटिव वेव्स, जिससे 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स से आपके एग्जाम में 14 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा जोल नेचर ऑफ मेटर, जिससे एग्जाम में आपके 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके हैं एटम्स एंड न्यूक्ली, जिससे आपके एग्जाम में 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने मार्क के, 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा मैं इधर ऊपर कर लूँ क्या, और चलिए यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट भाई वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जिससे आपके एग्जाम में 7 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका लास्ट जो है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे भी आपके एग्जाम में 7 मार्क के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर आप इसको टोटल को अगर जोड़ोगे, मैं आपको हटा देता हूँ, तो आपका ये 71-72 मार्क आपको काउंटिंग में होंगे। ठीक है, तो कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर ये ज़्यादा हो गया, तो बताइए 70 में ज़्यादा का पूछेगा क्या, क्या होता है मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। नोट में याद रखिएगा कि क्या होता है कि मान लीजिए इससे किसी बार 7 मार्क पूछ दिया, या तो इससे 7 मार्क, मतलब किससे, मान लीजिए किसी बार इससे 7 मार्क, या किसी बार मतलब इससे मान लो 14 पूछता है, मान लो 13 ये पूछ दिया, तो ये होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको तैयारी करना है इतने नंबर का, लेकिन किस चैप्टर से आपको कम ज़्यादा होते रहते हैं, इसलिए आपको इतने आपको अंदाज़ा एक लगा कर चलना है कि किसी सब्जेक्ट से आपको कम पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपको इतने को आपको तैयारी करके चलना है, बस इतना ही आपको काम करना है और आप कमाल रैंक लाओगे। और किस सब्जेक्ट का और चाहिए वीडियो आप हमें कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी ग्रुपों में, सभी मित्रों के पास, जिससे आप लोगों के लिए और वीडियो ला सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको अब लाइव क्लासेज हमारी टीम के द्वारा चलने वाली है बहुत जल्द। तो चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।